अगर आपके भी घर पे ब्लू स्टार एसी का रिमोट है तो भाई इस एसी का यूज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं रिमोट के फीचर्स को जान करके। तो सबसे पहले अब रिमोट का फीचर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे, काफ़ी कमाल कमाल का फीचर्स है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मली हर एसी में जो होता है उसी प्रकार से आपको इस एसी में दिखेगा ऑन ऑफ का बटन, बहुत ही ईजी टाइप का ऑन ऑफ का बटन हर किसी को पता होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा फ़ैन का स्पीड आता है, इस बटन को जो प्रेस कर रहा हूँ फ़ैन का स्पीड को मैं घटा और बढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो कम और ज़्यादा करना तो फ़ैन का स्पीड से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बटन आता है हमारा मोड का बटन आता है, नॉर्मली मोड ये कूल मोड पर है, कूल मोड में टेम्परेचर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं, बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना कूलिंग ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना कूलिंग कम होगा। नेक्स्ट हमारा ड्राई मोड आता है, ड्राई मोड बेसिकली हम लोग बरसात के समय में यूज़ करते हैं जिससे हमारा चिपचिपापन कम लगता है और कूलिंग बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल पाता है, जो कि ड्राई मोड हमारा बरसात के समय में यूज़ होता है। मुझे लगता है आप लोगों इसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स आता है वो हमारा फ़ाइन मोड का आता है। फ़ाइन मोड में नॉर्मली होता ही है कि हमारा जो एसी है वो कूलिंग नहीं करेगा, बेसिकली सिर्फ हवा का फ्लो देगा हम लोगों को, नॉर्मल हवा जिससे होता है। ठीक है, जो कि हमारा कभी भी फ़ैन मोड में यूज़ करेंगे तो हमें नॉर्मल हवा फेंकेगा। नेक्स्ट जो फीचर्स होता है वो हमारा आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड क्या होता है कि ऑटो मोड में हम चाहते हैं कि हमारा जो रूम है उसमें जो कूलिंग होगा वो ऑटोमेटिक हो, अपने हिसाब से एसी काम करे, तो भाई ऑटो मोड का यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर्स फिर हमारा आता है कूल मोड का। कूल मोड में बहुत ही अच्छे फीचर्स होता है, इससे हम टेम्परेचर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जो काफ़ी कमाल का है। उसके बाद आता है हमारा टाइमर का ऑप्शन। टाइमर का बेसिकली यूज़ ये होता है कि हम चाहते हैं हमारा एसी जो है वो 2 घंटे के बाद ऑन हो जाए, तो ऑटोमेटिक टाइमर सेट करने के बाद हमारा एसी जो होता है ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, चेक किया है हर इसी में। अभी हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं, अभी फिर से ऑन करके चेक करा देते हैं टाइमर वाला। तो काफ़ी कमाल का ऑटोमेटिक मोड डिस्प्ले में शो होगा, जो भी टाइमिंग आप सेट करना चाहे। टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का सेम सिस्टम है। टाइमर ऑफ में होता ही है कि हम घंटा सेट करें, 2 घंटा 3 घंटा, उतना घंटा होने के बाद हमारा एसी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिक्स एंड लॉक का ऑप्शन है, इस बटन को प्रेस कीजिएगा 3 सेकंड के लिए, ऑटोमेटिक सारा ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को जानना ये भी ज़रूरी है, ये टाइमर ऑफ का सिस्टम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आता है हमारा क्लॉक का सिस्टम। अगर आप टाइमिंग सेट करना चाह रहे हो, नॉर्मली जो हमारा रिमोट होता है तो उसको आप इजीली टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से टाइमिंग सेट हो जाता है भाई। यहाँ पर टेम्परेचर अप डाउन से जो बात कर लेते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है। नेक्स्ट जो बटन है हमारा, जैसे कि मैंने आप लोग बताया क्लॉक वाला ऑप्शन को, ये क्लॉक भी काफ़ी बढ़िया है। आप टाइमिंग सेट करना चाहोगे अपने रिमोट में, बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम सेट हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग फीचर्स के बारे में बात बताएंगे, तो ये हमारा स्विंग का ऑप्शन है। स्विंग नॉर्मली होता ही है कि हमारा जो अप डाउन का फ्लिप होता है वो हम इजीली स्विंग का ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का ये फीचर्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी सेविंग का। एनर्जी सेविंग में होता ये है, जो हमारा बिल होता है बिजली बिल वो कम से कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कूलिंग होता है वो नॉर्मल कूलिंग हमें देखने को मिल पाएगा, तो भाई एनर्जी सेविंग का भी यूज़ करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम से कम देख सकते हैं। उसके बाद आता है टर्बो बटन। टर्बो बटन का बेसिकली यूज़ ये होता है कि हमें चाहिए जल्दी कूलिंग, हेवी कूलिंग कम टाइम में, तो भाई टर्बो बटन का यूज़ कर सकते हो। उस बटन को प्रेस कीजिएगा, कंप्रेसर हाई स्पीड में चलेगा और जो हमारा कूलिंग होता है वो बहुत ही जल्दी रूम में देखने को मिलेगा, तो इस बटन को आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन आपके घर पर अगर ज़्यादा जन हो उस समय यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बटन आता है स्लीप का। स्लीप मोड के बटन को प्रेस करने से आपका एक 8 घंटे वाला प्रोसेस चालू होगा, जो कि हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा, 21 से तो 22 होगा, 22 से तो 23 होगा, 23 से तो 24 होगा, हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा। उसके बाद हमारा लाइट का ऑप्शन आता है, इस बटन को प्रेस कीजिएगा, जो हमारा इंडोर यूनिट में डिस्प्ले में जो शो करता है टेम्परेचर वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, फिर प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।